नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि एयरटेल 2G या 3G सिम कार्ड को 4G में कैसे आप अपग्रेड कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये 2G सिम कार्ड है पुराना वाला, और एक नया सिम कार्ड है 4G, और इसमें लिखा हुआ आएगा ऑल इन वन सिम MNP CYN या अपग्रेड। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए। इस प्रोसेस को करने के लिए वही आपका पुराना 2G सिम कार्ड आपके मोबाइल में लगा रहना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के मैसेज में जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं इस फ़ोन में अभी हम यहाँ पे मैसेज में जा रहे हैं, और उसके बाद से आपको यहाँ TO2 लिखता है, इसमें आपको 1-to-1 लिखना है। यहाँ पर आप 1-to-1 पे मैसेज को सेंड करना है, और यहाँ पर लिखना है यहाँ पर जो आपके पास नया सिम कार्ड रहेगा, सबसे पहले लिखना है SIM और स्पेस, और आपके वही सिम कार्ड जो नया लीजिएगा उसमें आपको सिम नंबर मिलेगा, वही नंबर आपको इंटर कर लेना है और उसे आपको सेंड कर देना है। मैसेज हमारा सेंड हो चुका है, और जैसे ही मैसेज सेंड होगा आपको यहाँ पे इनबॉक्स में आना है। इनबॉक्स में आने के बाद से इसे आप ओपन करेंगे, और यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक नंबर से रिप्लाई करना है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज़ रिप्लाई विथ 1, आपको यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करके रिप्लाई पर यहाँ पर आपको 1 इंटर करना है। 1 इंटर करके फिर से आपको पुनः 1-to-1 पर सेंड कर देना है। जैसे ही आप रिप्लाई करते हैं 1 से, कुछ ही देर में आपको कंपनी की तरफ से एक कंफर्मेशन कॉल आ जाएगा, और उस कॉल में आपको एक नंबर दर्ज करके आपको पुष्टि कर लेना है कि आपके पास नया सिम कार्ड अवेलेबल है। बाद से आपको सिम का आखिरी 4 अंक दर्ज कर लेना है, और उसके बाद से सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, और कॉलिंग और इंटरनेट आपका 2 घंटे के बाद से चालू कर दिया जाएगा, और मैसेज इनकमिंग आउटगोइंग की सेवाएँ आपको 24 घंटे के बाद से चालू कर दी जाएगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि इस प्रकार के आने वाले वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।